पड़ रही है, ये फट के इधर आई, ये फैल गया देखो गति। वेलकम बैक टू ब्लॉगर इन मी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप मेरी वीडियोस को मिस भी कर रहे होंगे। सो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल एक नया वीडियो और मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़ और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। हमने एक प्लान किया है राइड का, जो कि हम जाएंगे मुंशारी एंड पिथौरागढ़, भीमताल, बिरथी फॉल, ये बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा एडवेंचर है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल ब्लॉगर इन मी। बहुत सुंदर नजारा है भाई, बहुत सुंदर नजारा है। बाकी के मेंबर्स का वेट कर रहा हूं मैं और खटीमा पहुंच गया हूं मैं और ये रही अपनी बाइक पीछे। बहुत दिन बाद निकली है भाई। तो भाई लोग जैसे ही आते हैं, तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है उनका, तो खड़ी यहीं पर ही खटीमा में, तो फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। वो क्या हाल चाल है भाई? एक नंबर। और सुनाओ भाई, एक दोस्त लगा दिया इस बार? रोक लिया था से बचे थे यार उस बार। आपका काम क्या है? आपकी जितनी गाड़ी हम नहीं चला सकते। सफर एक दिन में तय करते हैं बस। ऊपर वाले ने सबको बना रखा है उसके उसी काम के हिसाब से जिस काम के लायक है वो। सरकारी कहाँ के रहने वाले हो आप दाजू? पिथौरागढ़ के? हम भी तो पिथौरागढ़ ही जा रहे हैं। नहीं, हम पिथौरागढ़ जा रहे हैं। अरे धारचूल में मजा नहीं आता यार, मुंशारी में जाएंगे उसके बाद, पहले पिथौरागढ़ फिर मुंशारी। कल मुंशारी परसों बिरथी जाएंगे। इसमें 400 सीसी। चलो राजू भाई। सर ये चौकी के इधर पे खड़े हो जाओ, वहां पर लिखा भी है ना COVID-19 बूथ वगैरह। बीच में जाइए सर आप। हाँ बीच में आ जाओ ना। तो भाई थोड़ी बहुत फोटोग्राफी वगैरह और थोड़ी जागरूकता फैलाने के बाद अब हम निकल रहे हैं। रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन, कोरोना का वैक्सीन लगवा लो यार, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है अपने GoPro में और इसके साथ ही हमने क्रॉस कर दिया है टनकपुर और अब हमारे पास वापस से पहाड़ आएंगे जिनमें अब हमको राइड करना है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैन। तो भाई ये है टनकपुर शहर। ये कौन सी नदी? काली नदी है ना? हाँ जी बस। काली नदी के काली नदी के बाजू में बसा हुआ वो, मेरे ख्याल से आगे वो नेपाल बॉर्डर भी दिख रहा है। नेपाली तो है या सामने वाला यार? ये नदी के उस पार सारा नेपाल है भाई। सामने है नेपाल और ये रहा टनकपुर आपका। मेरी उम्र ये है टनकपुर और वो सामने वाला एरिया नेपाल है। तो भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है। अभी से एक भाई बारिश इतनी तेज पड़ रही है जब फट के इधर आई, ये फैल गया देखो गति। ए हो गया गति, फट के फजीतापुर पहुंच गए। बंदे की पैजामा फट गई है भैंस की आंख, इतना ज्यादा बारिश ने टनकपुर पहुंचने तक, वो भी पीछे से नहीं आगे से टनकपुर। अब बारिश है बौछार है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है रास्ता बीच में से गया तो। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है क्लीन रोड्स।
तो भाई कुछ फोटोग्राफ्स कुछ वीडियोस लेने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं वापस से आगे। हम आए हैं खटीमा से अब तक केवल 41 किलोमीटर और हमने ब्रेक अंधाधुंध मार दिए हैं। जाना हमको 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा आई गैस, बट कोई नहीं, ठीक है। बहुत दिनों बाद राइडिंग चालू की है, इतना तो कंपनसेशन अपने साथ करना ही पड़ेगा। ये व्यक्ति ने दारू नहीं पी है, ये फोटोग्राफी कर रहा है, इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है। गाइस वो सामने का गांव देखो क्या सुंदर लग रहा है, लाइन से घर बने हुए हैं, क्या बात है। ठीक है भाई, टेल बहुत झूम रहा है इधर उधर, इट इज जस्ट लाइक फिश टेल नाउ। ओ भाई 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 ऊपर को जाने में ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वैसे नीचे में भी जाने में भी डिफिकल्टी। हाँ वैसे थे दीप भोजनालय में, यहाँ हमने चौमिन खाई, भूख इतनी तेज लगी थी कि हम फटाफट खाते ही रह गए और ना वीडियो बनाया ना कुछ बनाया, और हमने खीर भी खाई और खीर भी खाई, बहुत लाजवाब पहाड़ी स्टाइल। ये लौंडा आ गया है, ये डैशिंग लौंडा। रुक 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 रुक, भैंस की आंख सोनू तू ही मेरी गल सुनो, चैन चूना क्यों नहीं खाते, इन्नी बारी गारंटी मोटरसाइकिल चैन यार। तो भाई यहाँ पर से अभी अभी ये पत्थर गिरे हैं, कैमरा ऑफ था उस टाइम, और आगे तो और भयंकर लैंडस्लाइड है, अभी आपको दिखेगा। बाकी नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सुंदर हैं। वो बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट पाथ्स ऑलवेज लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, बिल्कुल सही कहते हैं। क्या हुआ? अरे गई इधर को ना। है तो छोटा सा एरिया, इससे फटाफट निकल गए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। चल चल बढ़ते रहे बढ़ते रहे।
बच गए भाई। अभी हमको लाइफ में और एडवेंचर देख रहे हैं, यहाँ भी पत्थर गिर रहे हैं भैंस के आगे। देखो नेचुरल वाटर मैन, आमी वाले, आमी वाले, आर्मी वाले, आर्मी वाले, आर्मी वाले, सल्यूट कर दिया करो भाई। आर्मी मैन अगर आपको देखे, उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, उनसे उनको मोटिवेशन कितना मिलता होगा, और वही स्माइल हमारे चेहरे पे भी आती है व्हेन दे रिस्पॉन्ड। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़। एक टाइम ऐसा था कि मैं कभी पिथौरागढ़ नहीं आया था, और एक टाइम ऐसा है कि पिछले एक साल में पता नहीं कितने चक्कर लग गए हैं। काफ़ी बढ़िया जगह है।